गुड मॉर्निंग। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, यानी कि ये भी उत्सर्जन का ही भाग है, इसमें देखिए अगला है नेफ्रॉन की संरचना। क्या है? नेफ्रॉन की संरचना। तो देखिए जो हमारा जो ब्लड होता है यानी जो किडनी होती है उसे हम गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। और इस ब्लड में क्या होते हैं कि असंख्य सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और जो अत्यंत कैसे होती है कुंडलित होती है। कैसी होती है? अत्यंत कुंडलित होती हैं और लंबी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रक नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्रक नलिकाएं। क्या कहते हैं इसको? ब्रक नलिकाएं कहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन भी कहते हैं। ब्रक नलिकाएं या नेफ्रॉन या ब्रकाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रकाणु भी कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक नलिका के क्या होते हैं कि दो प्रमुख भाग होते हैं। प्रत्येक उसे क्या होते हैं? एक क्या होता है? प्याले के आकार का। देखिए ये जो ये प्याले के जो आकार का है इसे हम क्या कहते हैं? मेल पिघियन कोश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेल पिघियन कोश। मेल पिघियन कोश। और दूसरी जो अत्यंत कुंडलित नलिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रावी नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? देखिए वो किस प्रकार की होती है? इस प्रकार से अत्यधिक क्या होती है? कुंडलित होती है। और यहां पर ये यू आकार की नली बनाते हुए इस प्रकार से यहां पहुंच करके यह एक संग्राहक नलिका में आकृति क्या होती है? खुल जाती है। इसे क्या कहेंगे? संग्राहक नली। संग्राहक नली नलिका। और जो ये वाला जो भाग आपको मैंने दिखाया इसे क्या कहेंगे? स्त्रावी नलिका। स्त्रावी नलिका जो कैसे होती है? अत्यधिक कुंडलित होती है। हम इसको देखिए यहां से भी मैं इस वाली लाइन को लाऊंगा इस प्रकार से, इसका हम डायग्राम बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको दिखा रहा हूं, तो आप लोग भी प्रयास करें। और यहां से देखिए ये भाग यहां पहुंच करके यहां से पूरी संकरी होती चली जाती है। यहां पर क्या होती है? संकरी होती चली जाती है। और इसके पश्चात फिर ये यहां से चौड़ी हो जाएगी इसी प्रकार से। ये इस वाले भाग को ये क्या था हमारा? इसके दो भाग थे। एक क्या था? मेल पिघियन कोश था। क्या था? मेल पिघियन कोश था। और दूसरे भाग को यानी कि जो ये वाला जो आपको कुंडलित नलिका दिखाई दे रही है इसमें क्या कहते हैं? स्त्रावी नलिका कहते हैं। अब देखिए इस मेल पिघियन कोश के भी क्या होते हैं? भाग होते हैं। देखिए इसके अंदर एक रक्त केशिकाओं का इस प्रकार का यहाँ पर क्या होता है? जाल होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? केशिका गुच्छ। क्या कहेंगे इसको? केशिका गुच्छ। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे? गोमन संकुट। गोमन संकुट। इसी प्रकार से देखिए यहां पर क्या होता है कि एक यहां से एक नली निकली होती है इस प्रकार से। ये नली क्या होता है कि चौड़ी नहीं होती है। कैसी होती है ये नली का? कैसी होती है? चौड़ी होती है। और यहां से ब्लड क्या होता है? अधिक से अधिक ब्लड क्या होता है? इस केशिका गुच्छ में प्रवेश करता है। और यहां से एक और नलिका निकलती है इस प्रकार से देखिए। और ये जो नलिका है ये कम चौड़ी होती है। ये क्या होती है? कम चौड़ी होती है। इसका कारण क्या है कि यहां से अधिक से अधिक रुधिर तो यहां प्रवेश करे लेकिन यहां से निकल कम पाए। अब देखिए उसके बाद फिर स्त्रावी नलिका, इसके भी देखिए तीन भाग हैं।
यहाँ पर पहला भाग क्या है, ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं समीपस्थ, समीपस्थ कुंडली भाग, समीपस्थ कुंडली भाग। और जो भाग दूर होता है, देखिए ये वाला भाग दूर है तो इसे हम क्या कहेंगे, दूरस्थ, दूरस्थ कुंडली भाग। अब दूरस्थ कुंडली भाग और ये वाली नलिका क्या करके संग्राही नलिका, उसके बाद ये आकर के किसमें खुल जाती है, फिर मूत्राशय में आकर के खुल जाती है। और जो ये यू आकार की जो नली आपको दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेनले लूप। क्या कहते हैं इसको, हेनले लूप। अब देखिए उसके बाद यहां पर देखिए एक जो ये ऊपर से ये वाली नलिका आ रही है इसको हम इसमें लपेटते हुए चले जाएंगे। अभी उसको मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए अब हम इस वाली नलिका को मैं इसको थोड़ा सा मोटा करूंगा तभी आपको स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं तो फिर आपकी समझ नहीं आएगा कि लाइन कौन कौन सी दिखाई जा रही है। देखिए मैं उसको इस प्रकार से दिखा रहा हूं आपको, ये जो यहां से इस प्रकार से ये क्या रहती है, इस नलिका के चारों ओर लिपट जाती है। कैसे, इस प्रकार से कि ये इस वाले भाग से नीचे इसके ऊपर से इस प्रकार से ये पहुंचती है और इसके नीचे वाले हिस्से से ये साइड से लेके इस प्रकार से ये क्या बनाती है, परिनलिका बनाती है। क्या बनाती है, परिनलिका, इसके नीचे से आएगा। और ऐसे ही यहां पर देखिए फिर इसके नीचे से होते हुए और इस कुंडली के इनकी जो हेले रूप है इसके चारों ओर करके लिपट जाती है और जिसे हम कहते हैं परिनलिका केशिका जालक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परिनलिका केशिका जालक। इसके ऊपर से इस प्रकार से ये क्या बनाती है, चारों ओर एक कुंडली संरचना बनाती है। ये देखिए और इसे हम कहेंगे परिनलिका, परिनलिका केशिका जालक, परिनलिका केशिका जालक। अब देखिए डायग्राम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब होता क्या, देखिए इसमें मूत्र निर्माण की क्रिया विधि मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये किसके कितने भाग होते हैं। जैसे देखिए जो अतिरिक्त कुंडली संरचना है दिखाई दे रही है, इसके मैंने दो भाग होते हैं। पहला भाग मैंने आपको क्या बताया, मेलपिगन कोश, और दूसरा क्या होता है, स्त्रावी नलिका। अब देखिए मेलपिगन कोश के भी दो भाग बताए मैंने आपको, एक केशिका कुंच होता है, एक दूसरा क्या होता है, बोवन संपुट होता है। अब उसके बाद देखिए तीसरा जो स्त्रावी नलिका, इसके भी तीन भाग मैंने आपको बताए, एक समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक दूरस्थ कुंडलित भाग, और तीसरा कहता है हेनले लूप। अब उसके बाद क्या होता है कि देखिए जो ये वाली जो यहां पर तीन नलिका, ये है क्या है, अपवाही धमनिका है, और ये ऊपर वाला नलिका को कहते हैं अपवाही धमनिका। जो अपवाही धमनिका होती है वह अपवाही धमनिका की अपेक्षा कैसी होती है, अत्यधिक चौड़ी होती है। क्यों चौड़ी होती है ये वाली नलिका, क्योंकि यहां से अधिक क्या है, रुधिर इस वोमन संपुट यानी कि जो केशिका कुंच है यहां प्रवेश करे, अधिक से अधिक रुधिर तो यहां आए लेकिन यहां से कम रुधिर निकले। फिर अब होता क्या है, जब रुधिर देखिए जब केशिका कुंच में प्रवेश करता है तो यहां पर जो केशिका कुंच है और जो वोमन संपुट की जो भित्ति है, इस भित्ति में क्या होता है कि वह क्षमता है तो उसका फिल्टर होता है। क्या होता है, उसका फिल्टर। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, परानिष्यंदन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अब देखिए जब ब्लड यहां पहुंचेगा अधिक से अधिक निकल कम पाएगा तो उसका क्या होगा, यहां पर फिल्टर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, परानिष्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या क्या कहेंगे उसको, डायलिसिस। अब उसके बाद देखिए कुछ शेष पदार्थ जो अद्भुत ब्लड यहां से जा रहा है, इसमें भी क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ शेष रह जाते हैं, या कह लो जो फिल्टर होता है यहां पर देखें, जब जो फिल्टर होता है जिसे हम निस्यंद
भी कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, निस्यंद कहेंगे। इस निस्यंद में भी बहुत से ऐसे आवश्यक पदार्थ होते हैं जो उसमें क्या कहते हैं, शेष रह जाते हैं। जब ये देखिए समीपस्थ कुंडल कनिका से होते हुए कहां पहुंचते हैं, हेनली रूप में पहुंचते हैं। हेनली रूप में जब यहाँ जब वह पदार्थ निस्यंद पहुंचता है, छना हुआ द्रव पहुंचता है, तो क्या होता है, इन जो ये रक्त केशिकाओं का जो एक परिनलिका जो केशक जाल बनाती है, रक्त केशिकाओं का जो घना जाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या होता है, उसका पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है, उन आवश्यक पदार्थ को क्या करते हैं, अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्णात्मक अवशोषण। क्या कहेंगे यहाँ पर उसे, वर्णात्मक अवशोषण। और जो शेष रह जाता है वह इस दूरस्थ कुंडलित कणिका से होते हुए संग्राहक कणिका में से होते हुए कहाँ चला जाता है, मूत्राशय में पहुंचता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। यूरिन यानी कि पेशाब उसको कहते हैं। अब देखिए मैंने एक चीज आपको यहां पर बताया कि जो रक्त यहां से इस केशिका गुच्छ में पहुंचता है, उस केशिका गुच्छ और बोमन संपुट की वृत्ति के द्वारा जो क्या होता है, फिल्टर होता है। क्या होता है, फिल्टर यानी कि वो छनता है। छनने के बाद जो पदार्थ जो लिक्विड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे नेफ्रिक निस्यंद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नेफ्रिक निस्यंद, नेफ्रिक निस्यंद। इस नेफ्रिक निस्यंद में मैंने ये भी बताया कि कुछ ऐसे आवश्यक पदार्थ होते हैं जो इस नेफ्रिक निस्यंद में क्या होते हैं, शेष रह जाते हैं। जैसे उसमें क्या है, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे उसमें आप कह सकते हैं सीधे सीधे जल हो गया और यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, ये आदि क्या होता है, इस नेफ्रिक निस्यंद में यहाँ पर होते हैं। अब जैसे जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल, ये हमारे शरीर के अति आवश्यक होते हैं, तो ये उसमें से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इनका क्या होता है, पुनः अवशोषण हो जाता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वर्णात्मक अवशोषण कहते हैं। और जो शेष रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं, यानी कि मूत्र कहते हैं। और ये मूत्र जो होता है इस दूरस्थ कुंडलित कणिका से होते हुए संग्राहक कणिका से होते हुए कहाँ चला जाता है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, और जिससे हम कहते हैं समय समय पर मूत्राशय से मूत्र को, यूरिन को क्या कहते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारी जो यूरिन होती है, इस यूरिन में भी